गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ दूध से मिठाई बनाने। तो देख सकते हैं सुधा का मिल्क ले लिए हैं एक पैकेट। तो इसको उबाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो दूध में उबाल आ गया है। अब यहीं पे गैस को बंद कर देती हूँ और कुछ देर के बाद, ठंडा होने के बाद फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैं 2 चम्मच विनेगर ले रही हूँ, 1 चम्मच हुआ और 1 चम्मच, 2 चम्मच हो गया, देख सकते हैं आप लोग। और यही पे 1/2 कप पानी डाल दे रही हूँ और डाल के इसको हमको छेना फाड़ना है दूध का फ्रेंड्स। तो दूध भी ठंडा हो गया है और इसको धीरे धीरे डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे। तो फिर धीरे धीरे अपना क्या है, छेना मेरा फट के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में 1 चम्मच पानी डाल रहे हैं। अब पानी के बाद दूध मैं ले ली हूँ 1/2 लीटर। चाहे तो कोई भी दूध ले सकते हैं, जो रेगुलर यूज करते हैं उसको भी ले सकते हैं। और जैसे कि 4/4 कप दूध है तो 1 कप इसको रखना है, बिल्कुल गाढ़ा राबड़ी की तरह बनाकर इसको तैयार कर लेते हैं। तो छेना फट गया, देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग हो गया है, पानी अलग और छेना अलग। तो इसको अच्छी तरह से फ्रेंड्स 4-5 पानी को धो लीजिए ताकि इसका विनेगर का जो टेस्ट है खत्म हो जाए। और यहाँ पर सूती कपड़ा ले लिए हैं कॉटन का और उसी में मैं डाल दे रही हूँ ताकि अच्छी तरह से जो मेरा छेना है उसका पानी निकल जाए। तो यहाँ पे डाल दिए हैं तो पानी डाल अच्छी तरह से फ्रेंड्स 4-5 पानी धो लीजिए ताकि इसका जो विनेगर का टेस्ट है खत्म हो जाए। दूध भी मेरा तैयार होने वाला फ्रेंड्स, देख सकते हैं। और बीच बीच में चलाते रहें ताकि आपका तली में लगे ना। ऐसे भी जब भी आप दूध खोलाएं इसका राबड़ी बनाए तो मोटा तली वाला कढ़ाई या कोई चीज भी से बनाए। तो छेना भी यहाँ अच्छी तरह से पानी इसका निकल गया, देख सकते हैं निकल गया है। और इसको चम्मच से पूरा मिला लीजिए ताकि बड़ा बड़ा इसमें गुठलियाँ रहे, गुठली ना रहे तो मिक्स हो जाए। तो फ्रेंड बिल्कुल इस तरह से मिला लेना है आपको। तो फ्रेंड अच्छी तरह से मिक्स हो गया है मेरे छेना, देख सकते हैं। और दूध भी गाढ़ा हो गया है और इसी स्टेज पर मैं चीनी डाल रही हूँ। लगभग जितना मीठा खाना है उसके अनुसार डाल सकते हैं। डालकर इसको, दूध भी मेरा तैयार हो गया है और चला लेते हैं। तो मेरा दूध भी गाढ़ा हो गया फ्रेंड्स, देख सकते हैं 1/4 हो गया है, आई मीन 1 कप के बराबर दूध चढ़कर हो गया। अब इसी में मैं छेना को डाल रही हूँ। डालकर इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं अच्छी तरह से तब तक चलाएंगे जब तक फ्रेंड्स में दूध पूरा अच्छी तरह से उसमें सूख ना जाए, तब तक फ्रेंड्स चलाना है इसको। और फ्रीज आ रहा है इसलिए फ्रीज के त्योहार पे मैं बना रही हूँ ताकि आराम से जो बाहर से मिठाई आप खरीदते हैं मिलावट उसको ना खरीद कर आप घर में ही बनाए और आसानी से और अच्छी तरह से मिठाई बनके घर में आपका तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड जरूर बनाइएगा, इसलिए भी मैं वीडियो बना रही ताकि फ्रीज है, फ्रीज आने वाली है तो आप लोग जरूर बनाइए। तो देख सकते हैं मेरा मलाई लड्डू यहाँ अच्छी तरह से सूख के
तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पे मैं गैस को बंद कर देती हूँ और निकाल कर इसको ठंडा करके दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स बिल्कुल मेरा ठंडा हो गया है। अब इसका छोटा छोटा लेकर गोलियां बना देते हैं, जितना भी छोटा आप बड़ा चाहिए अपने अनुसार बना सकते हैं। तो मैं तो इस साइज का बना रही हूँ। तो मेरा लड्डू मलाई लड्डू बनके तैयार है। अब सारी गोलियां बना लेते हैं इसी तरह। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ कि मलाई लड्डू मेरा बनके तैयार है और आपको पसंद जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय।